लोकसभा चुनावों का नोटिफिकेशन जल्द आने के आसार हैं। इससे पहले ऊपरी असम के लोगों ने राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांगे रखी हैं। असम के डिब्रूगढ़ जिले में औद्योगिक विकास और मध्यम वर्ग के कल्याण की मांग की गई है। जो भी अपने जनता जिस भी कैंडिडेट को सिलेक्ट करके लाए तो वो यही देखे कि प्रोग्रेस की ओर उनका क्या विचार है, प्रोग्रेस को देखते हुए। और प्रोग्रेस जिस हिसाब से अभी लास्ट 10 सालों में जो हुआ है वो काफ़ी अच्छा हुआ है और काफ़ी चीज़ें हुई है, और भी काफ़ी जगह हम लोग बहुत कुछ किया जा सकता है जिससे देश और आगे बढ़ेगा। जो सरकार जिस तरीके से मध्य वर्गीय लोगों के ऊपर दृष्टि होनी चाहिए वो दृष्टि सरकार की नहीं है। आप देख सकते हैं कि आज के दिन में हर छोटे बड़े शहरों में बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े व्यापारी जैसे कि रिलायंस, टाटा, इस तरह के व्यापारी लोग भी अब बड़े बड़े मॉल छोटे छोटे शहरों में खोलने लगे हैं। और छोटे छोटे हमारे तरह के जो मध्यवर्गीय व्यापारी हैं उनका व्यापार करना मुश्किल हो रखा है। ऐतिहासिक शिवसागर के लोगों ने जिले के विकास के साथ साथ अहोम राजवंश के स्मारकों और महलों की मरम्मत की मांग की है। ये ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं। हम गवर्नमेंट को ये डिमांड दे रहा है कि शिवसागर के डेवलपमेंट के लिए और असम के डेवलपमेंट के लिए आप लोग पिछले बार जो भी जो अच्छे लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो काम करने के लिए कैपेबल है, उस लोगों को हम लोग सुना पे लड़ना चाहिए। और शिवसागर का जो लोग है वो लोग भी वोट देने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि किसको वोट देना है। अभी भी शिवसागर का बहुत उन्नयन होना अभी भी बाकी है, फिर भी हम लोग चाहता है कि जो भी सरकार है शिवसागर का सामूहिक उन्नयन करे। लेकिन क्योंकि शिवसागर एक ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट है इसीलिए शिवसागर जिला का उन्नयन हम लोग चाहता है। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने के आसार हैं।